दिल बहुत ही जहर लग रहा है तो थैंक यू। चूतिया लग रहा है, चूतिया जहर लग रहा है। सो गाइस नमस्ते, गुड आफ्टरनून, मैं हूँ राजा दो और मेरा कल फेयरवेल है स्कूल का और अभी बज रहे शाम के 5। तो वही वेरी एक्साइटेड और अभी ये सीन ये हो रहा कि मेरा है ना तबीयत ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा, तो पता नहीं घर वाले जाने देखे नहीं, पर जाऊँगा फेयरवेल में। तो कल है हमारा फेयरवेल मिसीलाल गंगवाल जैन विद्या निकेतन स्कूल का सस्ता देसी फेयरवेल। तो दोस्तों बस यही, तो कल के लिए रेडी रहिए। और सीरियस बात यह है कि भाई मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रही है क्योंकि टीथ में पेन है। डॉक्टर को दिखाया आज मैंने, तो उसने बताया कि कुछ प्रॉब्लम है, तो बाद में एक्सरे करके बताएगा। अभी पेन दर्द की गोली दी है डॉक्टर ने और सर्दी जुकाम तो वो ज़्यादा वाला हो रहा है और बुखार भी आ रही है। तो दोस्तों देखते हैं। और हाँ एक और बात बता दूँ कि अपने स्कूल में अपनी ज़्यादा चलती नहीं है, इज्जत नहीं है अपनी, तो फिर भी मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। ये अपना घर, ये छत है अपना जहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये है अपना घर के पास का इलाका, गांव के बाहर है हमारा घर, तो आप देख सकते हैं अभी तो कलर हो रहा है अपने घर का, तो एक्साइटेड। और मेरे लिए अभी बहुत काम की बात यह है कि मैं बीमार बहुत ज़्यादा हो रहा हूँ, तो मेरे से कुछ घर वाले अभी काम नहीं करवा रहे, करवा तो रहे हैं पर मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि बीमार हूँ मैं अभी। और दूध दूध निकालना, दूध काटना और दूसरा काम सब फ्री हूँ अभी फ़िलहाल तो मैं। और फेयरवेल के लिए भी कल फ्री रहूँगा क्योंकि तबीयत ज़्यादा ख़राब है मेरी, एडमिट जैसी कंडीशन आ गई थी, तो मैंने आपको खुद को संभाल लिया है फ़िलहाल। तो 4 तारीख से बोर्ड एग्ज़ाम है, आज तारीख है 25 फरवरी और कल है 26 फरवरी फेयरवेल, तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तो फिर चलिए नेक्स्ट डे। तो अभी रात के 1:30 बज रहे हैं, देख सकते हैं आप, टाइम झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, दिख रहा है, हाँ रात के 1:30 बज रहे हैं और मेरी नींद खुली, मतलब सोया ही नहीं मैं तो, मतलब अजीब सा लग रहा, मोबाइल चला था जब से मैं, थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है। तो फिर घर वाले सब उधर सोए हुए अंदर, तो मैं बाहर आके वीडियो बना रहा था। तो बहुत एक्साइटेड हूँ कल के लिए, इतना एक्साइटेड भी नहीं हूँ पर सिंपल। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, अभी उठा हूँ 7:30 बजे और बुखार तेज आ रही है, देखते हैं स्कूल जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा, पर जाना है फेयरवेल में। तो हाँ तो मैं रेडी हो चुका हूँ दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों, आई एम रेडी, देख सकते हैं मैं फुल्ली रेडी हो चुका हूँ। तो आप बड़ी एक्साइटेड, समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ मैं, फुल्ली रेडी हूँ दोस्तों। तो अब चलते हैं, हाँ निकल रहा हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी जो है सीबीजेट वो चालू नहीं हो रही है, बहुत दिन की पड़ी है तो चालू नहीं हो रही। तो मैं भैया है उनके साथ लिफ्ट में जा रहा हूँ, तो देने का लिया। फाइनली मैं डेरी पे पहुंच गया हूँ, अब डेरी से स्कूल की तरफ बढ़ूँगा आगे। तो देख सकते हो यहाँ पे घी दे रहे हैं, ये मेरा भाई लखन, टिकटॉक थोड़ी टिकटॉक वाली दिखाओगे थोड़े से, मतलब नहीं। हाँ तो पहुंच गए हम, अब स्कूल में जाऊँगा कुछ ही देर में। शर्म किसको आ रही है, ये हमारे फेमस मनमोजी है जो हमको समोसा कचौरी पोहे और सब खिलाते हैं। इधर आइए, इनकी दुकान है ये सब पूरी, आज समोसे बने के नहीं अभी मेड हो रहे हैं और हाँ ये सब समोसे बने रखे गए गरम गरम, समोसे उधर बने। हाँ तो उधर समोसे बने और मनमोजी आप बहुत बढ़िया बनाते हो, हाथ में ला लो, आज फेयरवेल है मेरा स्कूल का तो मेरे को आशीर्वाद दो कि कुछ, हाँ धन्यवाद, हाँ तो कुछ अच्छा करके हूँ मैं, धन्यवाद। हाँ, कपड़े फाइनली आई एम फुल्ली रेडी, ये मेडिकल वाले भैया हमारे शर्मा रहे थोड़े से, ये मेरा भाई छोटा लखन यादव, तो हम रेडी अब स्कूल जा रहा हूँ मैं भाई। तो दोस्तों आज फेयरवेल का दिन है और फेयरवेल के दिन में पूरे 45 मिनट लेट पहुँचा हूँ, अभी मैं स्कूल की तरफ रहा हूँ, बहुत ही अजीब सा लग रहा है मेरे को, पहला ब्लॉग बना रहा हूँ। तो फाइनली स्कूल पहुंच गया हूं, ये मेरी गाड़ी जो अभी पार्क करी है और ये मेरा स्कूल है फिलहाल, मैं आपको दिखाना चाहता हूं मिसेलाल गंगवाल जैन विद्या निकेतन। दिख रहा है अभी नया नया कलर पुताया है स्कूल वालों ने,
तो अभी मैं अंदर जाने वाला हूँ कुछ ही देर में और बहुत एक्साइटेड हूँ। तो अभी मेरे फ्रेंड्स के साथ हूँ मैं अभी सभी। तू कोट खेड आज कोट डरा ही क्यों तू के बाड़े तू कोट है क्या अरे भैया वीडियो बना रहा हूं मैं वीडियो बना रहा हूं अच्छे से तो हां तो भैया ये मेरा फ्रेंड है क्या नाम है तेरा धीरज राठौर और ये देखो याद याद राहुल गोस्वामी तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की ए वीडियो बना तो ये मेरे कमीने दोस्त है जिन्होंने मेरा पूरे साल परेशान किया है। कोई तो जाओ कोई नहीं दे रहा उसको प्रोग्राम चल रहा है और थोड़ा बोरिंग हो रहा है। मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही है और बस तो खाना ना तो नहीं खाऊंगा और घर जाऊंगा डायरेक्ट। यहाँ पे पूरी क्लास का फोटोशूट हो रहा है। यहाँ पे सब भुक्कड़न खाना खा रहे हैं दिख रहा है हमारी क्लास की ये सब भुक्कड़न। फाइनली मैं स्कूल से निकल गया हूँ। ये मेरे हिसाब से बोलूँ तो मेरा फेयरवेल सबसे मतलब गंदा फेयरवेल का मेरे हिसाब से बोरिंग फेयरवेल और मेरा अच्छा नहीं गया फेयरवेल। और ये स्कूल के सामने खड़ा हूँ अभी मैं तो चलिए मैं घर जा रहा हूँ। फेयरवेल ख़त्म हो गया है मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ। मेरी तबीयत ख़राब हो रही है और मैं घर जा रहा हूँ बाइक पे हूँ मैं अपनी देसी वाली डिस्कवर पे। फेयरवेल ख़त्म जय भोलेनाथ। अब क्या होगा आगे आई डोंट नो। फेयरवेल से जो दिल मिला मैं आपको बता देता हूँ। जो मैंने बैग में रखा है बिग गंदा गिफ्ट मिला है दिया है फेयरवेल में देखते हैं ओपन करके इसका कौन सा गिलास दिया है इसमें फाइव स्टार सब्जी और फाइव स्टार डेयरी मिल्क कर देते हैं अच्छे रखते फाइव स्टार दिखाऊंगा सर्दी हो रही है डेयरी मिल्क ओ मक्का दिया है अंदर से गंदा हो रहा है इसको धुलेंगे एक बार
फाइनली मैंने मग्गे को धो लिया जो फेयरवेल में गिफ्ट मिला था। अब इसके अंदर मैं पानी डालूंगा और मेरी गोली डाल के खाऊंगा। बीमार हो रहा तो गोली डाल के खाऊंगा। फाइनली गोली डाल दी मैंने इसके अंदर, खाना है इसको हिला के। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, सो मच फॉर व्यूइंग माई व्लॉग दोस्तों। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, नहीं भी लगी तो कोई बात नहीं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो अच्छी बनाऊंगा। तो मेरी दुख भरी कहानी सुन के, जो भी मतलब मेरी दुख भरी कहानी सुन के कैसा लगा आपको, आप भी बताइए कमेंट बॉक्स में, कमेंट कर दीजिए। मैं सब पहचान के कर दो कमेंट और सब्सक्राइब कर दो, करना है तो भाई करना है तो कर दो। और सभी भाइयों को जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्णा और राम राम बस। और क्या बोलने वाला हूँ मैं, कुछ नहीं, जय भोलेनाथ, बाय बाय।